वाह, तुमने ये कैसे किया? सबकी आईब्रो बहुत हेल्दी है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अभी मेरे 3 पॉइंट हो गए ना। मुझे लगता है हमें अभी पेनल्टी डिसाइड कर लेनी चाहिए। तुम लोग पेनल्टी खुद डिसाइड करोगे या उन लोगों से सुनोगे? चलो फिर इन लोगों की ही सुनते हैं। हाँ, इनकी सुनते हैं। ठीक है, जिसके सबसे कम स्कोर होंगे उसको पेनल्टी मिलेगी ना? हाँ, जिसके सबसे आखिर में कम स्कोर आए हैं उसको। हाँ, मैंने तो आज सारा दिन बस 3 स्कोर लिए और मेरे 2 स्कोर हुए। तो आपकी पहली पेनल्टी है। फी और जिमी का दोबारा से यही टी शर्ट वापस कोरिया जाते हुए पहननी होगी। वाओ, वेरी गुड। और जिमी और वी की पेनल्टी क्या होगी? वो नेक्स्ट टूर पे जापान के एयरपोर्ट पे पहनेंगे। और आपकी दूसरी पेनल्टी होगी। तो यहाँ पेशेंट के सामने एक लेक है और आप लोगों को उस लेक के अंदर जाना होगा। वाओ, लेक के अंदर जाना होगा, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये क्या बात हुई? मैं जानता हूँ, कनाडा का पानी और किश्तियाँ बहुत साफ है। और तीसरी पेनल्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी तीसरी पेनल्टी है कि आपको पूरे स्टाफ को खाना खरीद के खिलाना होगा। कल का लंच होगा ना? चलो फिर इसी पेनल्टी के साथ चलते हैं। मुझे लगता है हम ये बर्दाश्त कर लेंगे। गुड मॉर्निंग सर, हम तो गए दिल्ली। तो क्या ख्याल है, स्टाफ के लिए दूसरी जगह से खाना खरीद लेते हैं? क्योंकि इससे फिजिकली बोझ भी नहीं पड़ेगा किसी पर। तुम क्या सोचते हो, क्या दूसरी जगह से खाना लोगे या फिर पहली जगह पर झील में जाएं? ये आपकी पेनल्टी पर ही डिसाइड होगा। क्या ख्याल है, फर्स्ट और सेकंड प्लेस पेनल्टी के लिए चूज कर लें? मगर सेकंड प्लेस पे तो तुम्हें स्टाफ के लिए खाना खरीदना होगा। तो बताओ, इन भुकड़ों के लिए खाना खरीद लोगे? अगर हम इनमें से कुछ कर सकते हैं तो वो सेकंड प्लेस है। ओके, तो जिमिन तुम लोगों को लंच खरीद कर देगा। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं, आखिर हम लोग कनाडा में आए हुए हैं। हाँ, जी हो भी तुम लोगों को खाना खरीद के देगा। लंच सिर्फ एक इंसान खरीद के देगा। सेकंड प्लेस पे है लंच खरीदना और फर्स्ट प्लेस पे है सुबह को झील में जाना। लंच खरीद के देना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो यही चूज करो। फर्स्ट प्लेस पे कुछ करना पड़ेगा जो मुश्किल होगा। अच्छा, मैं जिमिन के कपड़े पहनना चाहता हूँ, तो क्या हम लोग फर्स्ट नहीं ले सकते? क्यों, तुम्हारे पास अपने कपड़े नहीं है क्या जो तुम जिमिन के पहनना चाहते हो? लगता है कि तुम जिमिन का फैशन अपनाना चाहते हो। अरे नहीं, ठीक है, तो जो कपड़े मैं उतारूंगा वो भी जिनको दे दूंगा। ये तो AA वाले है ना? ओ हाँ, वो म्यूजिक बैंक वाले, इसीलिए तो इसने पहनी है। मैं तुम्हें कपड़े खरीद के दूंगा। क्या सच में? प्रॉमिस करो। करो प्रॉमिस। हाँ मैं दूंगा। शुक्रिया जेहो, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पे दूंगा। ठीक है, तो मैं उसे अपने काम पे पहन लूंगा। अब आपकी टाइमिंग गेम शुरू होती है। 1, 2 नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पास एक और है। इसने कहा 1, इसने पहले ही 1 कह दिया। क्योंकि तुम्हारे नंबर कितने हुए? मेरे 2 हैं। ओह, अभी भी 2 हैं इसके। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे पेनल्टीज ना मिले। ओके, रॉक पेपर सीजर। ओके, चेंज मत करना। रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। क्या तुम जिनके अगेंस्ट जीतोगे? रॉक सीजर पेपर। रॉक सीजर पेपर। अरे यहाँ पे तो सब लोग जीत रहे हैं। रॉक पेपर सीजर। मैनी ऑफ फन। रॉक पेपर सीजर। ठीक है माइनस मैन, तुम्हारे कितने हुए टोटल? गाय गो आई बेगी आई ओके लगता है आरम की बारी है हारने की। चलो चलते हैं और लंच करते हैं। जी हाँ चलिए, अब आपका लंच का टाइम हो गया है। तो चलो फिर लंच करने चलते हैं। वैसे भी कुछ भी करने से पहले हमें खाना खाना चाहिए। रन लंच। तो बताइए मेन्यू में क्या है? इसमें है लेग पीस, सोया सॉस विद चीज। ये मीडियम साइज में है और चेरी सीज और है चिकन। शुगर तो रहने थे, तू गलत प्रोनाउंस कर रहा है। वन ब्लैक सोया सॉस विद चिकन इन मीडियम साइज। एक रेड सोया सॉस और ब्रेड चिकन। सफेद चीज ब्राइड चिकन मीडियम साइज वाला। बस कर दो, इंग्लिश तो सही यूज करो। मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ये काफी है, प्लीज हमारे लिए सबके लिए चावल अलग से लाना। यस, 7 प्लेट्स राइस एंड 7 पेप्सी की बोतल। शुक्र है हमने ऑर्डर तो अच्छे से दिया। वाओ, ये पिज्जा तो बहुत मजेदार है। वाओ, वाकई में ये बहुत डिलीशियस है। कोरियन पिज्जा तो सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है दुनिया में।
अरे इस पेपर के साथ मैं क्या करूँ? इसको भी खा जा। हाँ तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुमने ही खा रहे इसको। वाओ इस जगह का पिज्जा कितना मजेदार है। शुगर क्या इस पिज्जे को ओवन के साथ बनाते हैं? शुगर तो खाना बनाने में बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए गम्बस अजलू जरूर बनाएगा। वाकई में शुगर तुम हमारे लिए गम्बस बनाने वाले हो? नहीं मैं अदरक लहसुन नहीं छीलने वाला। ये वाला तो बहुत डिलीशियस है। अच्छा बताओ मुझे तुम लोग डिनर में क्या खाना चाहते हो? हम लोग गम्बस और बीफ। क्या ख्याल है डिनर के लिए वेस्टर्न फूड ना बनाए? तो शुगर तुम बना लोगे ना? क्या ख्याल है पैनकेक बनाए? ओ सुनने में तो अच्छा लग रहा है। शुगर क्या तुमने कभी पैनकेक बनाया है? नहीं लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है जिसमें इसको बनाया जाता है। इस बटर के साथ बनाना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी इसको बना सकता हूँ। हाँ अंकल बॉब अक्सर वीडियोस डालते रहते हैं। हाँ क्या तुम अंकल बॉब की वीडियोस देखते हो?